नमस्कार, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल की समस्या पे, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है सभी लोगों के लिए। ये सिर्फ गर्ल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉयज़ की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये होती क्यों है लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती क्यों है। हमारा इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा रोल है हमारे इन्वायरमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गया है, जिसकी वजह से हमारी सिर्फ बालों के ऊपर ही नहीं, हर तरह से हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। दूसरी चीज़, मानसिक तनाव। लोगों को मानसिक तनाव इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर आप देखें तो खान पान, वो किसी का भी सही नहीं है। जंक फूड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है खान पान में, जो कि हमारी सेहत को दिन प्रतिदिन प्रभावित कर रही है। तो चलिए बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की। सबसे पहला है हमारा त्रिफला। त्रिफला का इस्तेमाल हम लोग पेट को साफ करने के लिए भी करते हैं, उसी प्रकार से हम इसको बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात में 2 चम्मच या फिर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से देख लीजिए, और अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो 3 चम्मच भी ले सकते हैं। किसी भी छोटी कटोरी में उसको भिगा कर रख लें, मेहंदी की तरह भिगोएं, जैसे आप मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही। सुबह अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो उस पेस्ट को आप अपने बालों में लगाएं मेहंदी के समान, पूरे जड़ों में अच्छे से, और उसको कम से कम 2 घंटे रखें। उसके बाद 2 घंटे के बाद उसको नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अपने बालों में तेल का जो इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिना खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल कीजिए। और जो हमने पेशेंट वगैरह पे ट्राई किया है, वो आंवले का तेल है। बिना खुशबू वाले आंवले का तेल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। उसके अलावा अगर आप और बात करें तो प्याज का रस, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई भी नियमित रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है आज मैं आपको बताती हूँ। आप एक प्याज लीजिए, उसको कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए। उसमें जितना आपने प्याज लिया है उससे आधी मात्रा में नींबू का रस मिला सकते हैं, और उसमें एलोवेरा का जूस अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलता तो एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे एलोवेरा फ्रेश मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इन तीनों को समान मात्रा में मिलाकर आप अपने बालों में नियमित रूप से लगा सकते हैं। आप रोज़ शैम्पू ना करें, हफ्ते में एक बार शैम्पू करें, वो भी हर्बल शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, लेकिन आप लें तो हर्बल ही लें, वो बेहतरीन रहेगा। अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते, शैम्पू से ज़्यादा डर है आपके बालों का झड़ने का, तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बात करें आपके खान पान का, तो खान पान में जंक फूड का सेवन जितना कम से कम कर सकते हैं कीजिए। साथ ही आप नारियल पानी का सेवन अगर नियमित रूप से करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, पूरी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके पूरी त्वचा के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके साथ आप खान पान में हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, कच्चे फलों का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार का क्षारीय पदार्थ जो आप ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी, शिकंजी, इन सभी चीज़ों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे इस गुरु आयुर्वेदा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।